झीना 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 रे उड़ा गुलाब। और अच्छी कंडीशन में है, अच्छी चल रही है। मैं भी पल पल ना माने टिंकू जी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं करम ध्रुवे और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल ब्लॉग यूट्यूबर। ठीक है, तो सो फ्रेंड, अभी हम अपने जो घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे हम इधर घूमने आए हैं। ठीक है, तो जहाँ घूमने आए हैं वहाँ का कुछ खूबसूरत लोकेशन आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इधर देख सकते हैं, इधर नीलगिरी है और नर्सरी है, काफ़ी बड़ा है, और इधर भी पीछे नर्सरी है। ठीक है, और बीच में नाला गैसा गया है, इसको ऐसे मेड़ बना के इसको डैम बना दिया गया है, और इधर देख सकते हैं पीछे पानी है। ठीक है, और इधर से जो जितने भी हमारे गांव गली से खेत खलिहान से जो भी पानी आता है वो इसी रास्ते पे यहाँ पे जमा होता है, और जो इसके ओवर होता है जो वो पानी वहाँ से इधर नाली बनाया गया है उस रास्ते से उधर नीचे की ओर जाता है। जैसे इधर देख सकते हैं, इधर खेत है, उसके खेत के नीचे साइड है झरिया, पत्थर उत्थल सब है, और उसके नीचे में है एक छोटी सी नदी गुजरी हुई है। ठीक है, उसी नदी में जाके ये पानी सब मिल जाते हैं। ठीक है, और हम लोग के विलेज के ये जो दिख रहा है नक्सरी, इधर पीछे जितने भी बैल बकरी सब होते हैं गांव में, वो सब इधर ही चराने के लिए लाया करते हैं, और उधर चरा के जब घर लौटते समय यहाँ पे पानी पिला के अपना घर ले जाते हैं। ठीक है, तो सुबह के टाइम हम इधर ही अक्सर घूमने आया करते हैं, और आज भी आए हैं, और जब भी हम वीडियो सुबह मॉर्निंग टाइम में वीडियो पब्लिश करनी होती है तो हम इधर ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर नेटवर्क अच्छा रहता है, और जैसे अपना घर तरफ अगर वीडियो अपलोड करें, अगर हमने कोई वीडियो 4-5 GB का बना लिए तो उसको अपलोड करने में लगभग 4-5 घंटे लगते हैं। ठीक है, और इधर आते हैं तो वही 4-5 घंटे घट के लगभग 1-1.5 घंटे में पब्लिश हो जाता है। सो अभी हम चलते हैं टमाटर की खेती तरफ और दिखाते हैं टमाटर की फसल कैसी है। ठीक है, और हम लोग के पत्थलगांव एरिया नहीं छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पत्थलगांव में टमाटर की खेती सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, आप जैसे जनरल नॉलेज भी अगर पढ़ते हैं तो जनरल नॉलेज में दिया होगा, देखना कहीं पर। ठीक है, कि पत्थलगांव में सर्वाधिक टमाटर की खेती किया जाता है। ठीक है, तो हमने टमाटर का जो बीज लाया था उस टाइम हमने उसका भी वीडियो बनाया है, आप इधर देख सकते हैं, आई बटन में कहीं पे शो हो रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं हमने बीज कैसे बोया था। ठीक है, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से देख सकते हैं। और अभी टाइम चल रहा है, दशहरा सीजन है, और दशहरा में जिधर भी जाओ उधर माता जी का जय जयकार है, और दशहरा टाइम में दुर्गा स्थापना सभी जगह किए हैं। ठीक है, तो दुर्गा स्थापना का एक छोटा सा मेरे तरफ से आप लोग को सॉन्ग सुनाते हैं। ठीक है, झीना 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 झीन उड़ा गुलाब, माई तेरी चुनरिया लहराए, झीना 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 रे उड़ा गुलाब, माई तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीति का, रंग तेरी प्रीति का, रंग तेरी जीत का है, लाई लाई लाई, रंग तेरी जीत का, रंग तेरी प्रीति का, माई तेरी चूनरिया लहराए, जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए, झीना झीना रे उड़ा गुलाब, माई तेरी चुनरिया लहराए। ये छोटी सी सॉन्ग आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ का खूबसूरत व्यू आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ जो जैसे आप देख सकते हैं इधर यहाँ पे एक नदी गुजरा हुआ है, और जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ हम आए इस टाइम इधर पूरी जगह पे कोहरा छाया हुआ था, एकदम बादल जैसे। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ का खूबसूरत व्यू, और गांव में तो यार सारी जगह ही खूबसूरती है। ठीक है,
तो जैसे इधर आप देख सकते हैं, अब नीचे की ओर चलते हैं और जाना है हमको, रास्ता इधर है। और ये रही मेरी बाइक हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो, ठीक है, काफ़ी पुरानी बाइक है और लगभग 5 साल हो गए हमको इसको चलाते हुए, और अच्छी कंडीशन में है, अच्छी चल रही है। भें तो इधर रास्ता देख सकते हैं कितना ख़तरनाक है, और चलते हैं इधर ही, ठीक है। बहुत दूर में है हम लोग के घर से, बहुत दूर में है। और दिखाते हैं आपको टमाटर की फसल, और खाना उना खा लूँ। ये देखो दूध वाला दूध दुह रहा है। सो फ्रेंड, ये है हम लोग का टमाटर का खेती, ठीक है। और जैसे कि आप इधर पूरा देख सकते हैं, ये टमाटर का खेती है, और अभी ये फूल भी रहे हैं और इसमें फल लगने वाले भी हैं, ठीक है। और आओ इधर दिखाते हैं, और ठीक है, जैसे कि इधर देख सकते हैं, इसमें कीड़ा लगा था इससे पहले, और इसमें हमने दवाई लगाई थी। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मर गया, ठीक है, ये मर गया, और इसमें बीमारी क्या हो सकता है, हमने इसको उखाड़ दिया। तो इसमें यहाँ छोटे छोटे चींटी जैसे हैं इसमें, और जिसकी वजह से ये मर गया, ठीक है। और इसको नीचे दो चार चींटी ही दिखे, जिसके कारण इसका जो मेन जड़ी होता है उसको काट दिए होंगे, और उसके कारण से ये मर गया, ठीक है। और इधर देखते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है। मतलब क्यों मर रहा है, इसका कोई रीजन पता नहीं चल रहा है, ठीक है, क्यों मर रहा है, ठीक है। और यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी है। अभी लगातार लगभग 2-4 दिन हुआ हम लोग के एरिए में काफ़ी बड़ी बारिश हुई, जिसकी वजह से ये थोड़ी फसल में नुकसान दिख रहा है, क्योंकि ये टमाटर की जो फसल होती है ज़्यादा पानी को ये सह नहीं सकता। ज़्यादा पानी आता है तो ये गल जाता है, और इसके मतलब बीमारी होने के कई चांसेस रहते हैं, ठीक है, इसके कारण से कहीं कहीं पे बहुत जगह पे ऐसे पौधा जो है मरा हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ये जो इसमें फल लगा था, लेकिन ये पौधा भी अब ख़त्म हो चुका है। अब इसको उखाड़ के देखते हैं क्या रीज़न होगा। शायद इसके ये जो दिख रहा होगा, इसके दीमक उमक या कुछ काट रहे होंगे, इसका जड़ी छिला हुआ जैसे दिखाई दे रहा है। बीमारी का मेन कारण क्या हो सकता है, इसको हमने पता करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है, ठीक है। मेरे को लगता है ये ज़्यादा बारिश की वजह से ही मतलब ऐसी टमाटर ये सब पौधे जो हैं वो नुकसान हो रहे हैं। हमारे साथ कैमरामैन बने थे, ये हैं टिंकू, ठीक है, पल पल ना माने टिंकू जिया, ठीक है। तो टिंकू जी हैं, और ये अभी हमारा कैमरा पकड़ रहे थे, हम लोग का मतलब वीडियो बनाने में हमारा साथ दे रहे थे, ठीक है। तो ये है टिंकू, कितना पढ़ते हैं टिंकू? छठवीं, ये छठवीं पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ पढ़ते हैं, कौन सा स्कूल? माधमिक गुरु शास्त्र डाहीडांड में पढ़ते हैं। इधर होता है एक डाहीडांड स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है, तो वहीं ये पढ़ते हैं, ठीक है। इनका नाम है टिंकू, ठीक है, पल पल ना माने टिंकू जिया, ठीक है। का करत है, भाड़ा मान जाता है। तो यहाँ पे हम लोग के गांव विलेज के जो बर्तन साफ करते हैं, वो क्या से साफ करते हैं उसको आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, ये वाली
ये रॉक है, ठीक है। इसको जो आग लकड़ी से जलाते हैं और उसका जो राख बचता है जो चूल्हा में, उससे ये बर्तन मांजते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सफाई होता है, ठीक है। ले कुछ बताओ 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 बताओ, कितना सफाई होता है। ये सारा जो राख से गांव में ऐसी राख से मतलब बर्तन साफ होते करते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छी हद तक सफाई होता है, जैसे आप देख सकते हैं सफाई हो रहा है। कुछ तो बताओ। देखो ऐसे साफ हो गया ना पूरा अगल बगल, पूरा चकाचक हो गया, ठीक है। तो ऐसे गांव के लोग ऐसे ही बर्तन साफ करते हैं। वैसे शहर में तो दुनिया भर का शैम्पू सरफ ये दुनिया भर का आता है। और इसमें क्या है, ये वाला देखो, ये घास है, ठीक। और शहर में तो क्या बोलते हैं, वो आता है एक, उससे साफ करते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा साफ हो गया, ठीक है। तो चलते जो हम लोग के गांव के जो महिलाएं सब होते हैं, वो काफ़ी शर्मीले स्वभाव के होते हैं, ठीक है। शर्मीले स्वभाव के इसलिए होते हैं क्योंकि कैमरा में खुद का शक्ल देखना थोड़ा हम लोग को अजीब लगता होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा करते रहते हैं, ठीक है। तो गांव की महिलाओं को कैमरा में लाना बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। सो अभी चलते हैं, इधर देख सकते हैं रास्ता पूरा नीचे तक गए थे और अभी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। इधर अपना बाइक खड़ी है यहीं पर और चलेंगे फिर अपना घर, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें यार, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही मेहनत लगता है। वीडियो बनाने से लेकर वीडियो एडिटिंग करने तक बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, तब जाके नेक्स्ट वीडियो होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेगा, ठीक है। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।